नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत है। मैं हूं अजय और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम एट्थ क्लास में ही सॉल्व कर लेते थे, तो प्लस वन या डिप्लोमा वाले कोर्स में हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इसका एक रीजन है, आइए समझते हैं। तो मैं आपको पहले ही नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एट्थ क्लास का सवाल है, उसको हम प्लस वन या डिप्लोमा वाले कोर्स में क्यों करते हैं? तो चलिए सोल्व करते हैं पहले इसको। तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि इसका क्या लिंक है हमारी प्लस वन या डिप्लोमा वाली क्लास से, एट्थ क्लास में क्यों नहीं इसको रखा गया। तो इक्वेशन को जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते होंगे, सबसे पहले आप निकालते होंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट। क्यों निकालते हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसमें ए बी या सी कौन कौन होते हैं, यह आपको पता ही होगा। चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है ए। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास वन। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है बी, तो बी हो गया हमारे पास टू। और जो ना तो जिसके साथ एक्स लगा हुआ है और ना ही एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, वो होता है सी। तो सी कितना हो गया हमारे पास? फोर। तो चलिए जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू है टू, इसका स्क्वायर माइनस फोर, फोर की वैल्यू है सॉरी फोर ए सी, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है फोर। टू का स्क्वायर फोर, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई। आपने एट्थ से लेकर टेंथ क्लास तक जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सोल्व की होंगी, उन सभी का डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो आ रहा था या फिर पॉजिटिव था। लेकिन इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला? नेगेटिव। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस इक्वेशन को क्यों प्लस वन या डिप्लोमा वाले कोर्स में रखा गया है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो इस इक्वेशन का डज नॉट हैव रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होते। तो इसके रियल रूट्स नहीं होते तो कौन से रूट्स होते हैं? इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब वो इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालेंगे हम? तो निकालने का तरीका वही है। x कैसे निकालते थे हम इसमें? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हमारे क्वेश्चन। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? टू। प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है टू, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए सी, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है फोर, डिवाइड बाय फॉर्मूला क्या कहता है? टू ए। तो डिवाइड बाय टू साथ में ए, ए की वैल्यू है वन। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर आएगा, उस फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन आएगा अपॉन टू। माइनस टू प्लस माइनस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व अपॉन टू ए, सॉरी ए की वैल्यू वन है, टू वन जा टू,
माइनस टू प्लस माइनस, अंदर माइनस ट्वेल्व बनता है। जब भी माइनस की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आए उसको आपने अलग अलग कर लेना है, ट्वेल्व मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस टू प्लस माइनस, अंडर रूट ट्वेल्व के ऊपर भी है और अंडर रूट माइनस वन के ऊपर भी है अपॉन टू। माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेल्व माइनस वन अंडर रूट, ये क्या होता है हमारा आयोटा होता है अपॉन में टू। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो बताना क्या करना है आपको, आपको जो मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके मुझसे डाउट पूछ लेना है। चलिए इसके बाद आगे करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहां तक, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेल्व आयोटा अपॉन टू। ट्वेल्व का अंडर रूट, इसको फैक्टर्स बनाते हैं पहले इसके ट्वेल्व के। तो पता ना आपको अंडर रूट कैसे करना होता है, ये टू और टू, दो का पेयर बन रहा है, दो का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनता है वो अंडर रूट के बाहर। तो अंडर रूट ट्वेल्व को हम कैसे लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन रहा है पेयर बन रहा है वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट ट्वेल्व को लिखेंगे हम टू अंडर रूट थ्री। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, माइनस टू प्लस माइनस, ट्वेल्व की जगह हम भरेंगे टू अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन में टू। इसके बाद ये टू कॉमन ले लीजिए, टू हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा अपॉन टू। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। यहां से क्या किया हमने, जो दो था ये, इस दो को बाहर निकाल दिया, यहां से दो बाहर आ गया। अगर यहां से दो बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, माइनस, और कुछ भी नहीं दिखाई दे तो साथ में वन लगा देना है। यहां से दो बाहर आ गया तो क्या दिखाई दे रहा है साथ में, अंडर रूट थ्री आयोटा, अंडर रूट थ्री आयोटा। फिर इस दो से दो कैंसिल कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं जिनके रूट्स रियल ना होकर इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।